गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं, जैसे कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैडम परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है, आप हमें कुछ करवा दीजिए, तो बेटा मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कुछ बता दूँ और जहाँ तक मेरे से हो सकता है मैं आपकी मदद करूँ। हमने भगवान से यही प्रार्थना की है कि आप सब सफल होएं, परीक्षा बहुत नज़दीक है, लैब असिस्टेंट का भी, और आप जो फॉर्म भर रहे हैं, कुछ लड़कियों ने पूछा कि मैडम बालिका वर्ग में भरूं या बालक वर्ग में। बेटा ये बेहतर वही लोग बता सकते हैं जो परीक्षा फॉर्म भरे हैं या परीक्षा के एक्सपीरियंस हैं। मैं क्या बताऊं, अगर मैं गलत बताती हूं तो फिर इसका मैसेज भी गलत जाता है। चलो उन बातों को छोड़ते हुए आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को दे रही हूं और देखती हूं हमारे कितने बच्चे इसमें से सही करते हैं। प्रश्न है कि कौन सा पाचन तंत्र ऐसा है जिसको हम मैकेनिकल मिक्सर के नाम से जानते हैं। यांत्रिक मिक्सचर, मिक्सर होता है ना, मिलावट वाला। विच, अंग्रेजी वाली लड़कियां भी सुन लो, विच डाइजेस्टिव ऑर्गन इज नोन एज मैकेनिकल मिक्सर। हिंदी में वह कौन सा पाचन अंग है जिसे मैकेनिकल मिक्सर के नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है माउथ, स्टोमैक, माउथ मतलब मुंह, आमाशय, छोटी आंत, अग्नाशय। कौन सा पाचन अंग है जिसे हम मैकेनिकल मिक्सर के नाम से जानते हैं? काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया होगा, बता देती हूँ मैं आंसर। आंसर करेक्ट है इसका आमाशय। कंफ्यूज कराने के लिए मैंने मुंह भी डाला, क्योंकि मुंह में हम भोजन को चबाते हैं। आपको पता है कि मुंह और आमाशय, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? आमाशय। आमाशय को ही मैकेनिकल मिक्सर के नाम से हम जानते हैं। इसको केमिकल डाइजेस्टर भी कह सकते हैं। अगर प्रश्न यह आया है कि केमिकल डाइजेस्टर किसको कहते हैं, इसका भी करेक्ट आंसर आमाशय ही होगा। और अगर क्वेश्चन यह आए कि हमारे बॉडी का कौन सा पाचन अंग है जो स्टोर हाउस ऑफ द फूड कहलाता है, तो इसका भी आंसर आमाशय ही आएगा। हिंदी वाली छात्राएं के लिए आमाशय, और अंग्रेजी वाली समझ लो, जो कहती हूँ बार बार कि मैडम हिंदी में पढ़ाओ अंग्रेजी में पढ़ाओ, स्टोमैक। समझ गए? तो अगर ये पूछा जाए केमिकल डाइजेस्टर कौन है, टेम्पररी हाउस, स्टोर हाउस ऑफ द फूड कौन है, तो मैकेनिकल मिक्सर कौन है, तीनों का करेक्ट आंसर स्टोमैक ही होगा। और आप जानते हो कि इसमें एक वयस्क व्यक्ति अपने स्टोमैक में 1 से 1.5 लीटर तक भोजन को संग्रहित करके रखता है। वयस्क व्यक्ति, देखो जब हम पार्टी में जाते हैं ऐसे हम 2 या 3 रोटी खाते हैं, लेकिन जब हम शादी विवाह में या पार्टी में जाते हैं, भोज में जाते हैं, तो हम कितना सारा खाना खा लेते हैं, हलवा पूड़ी के साथ सब्जियां और मिठाइयां, उसके बाद पानी जूस सारा चीज़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो संग्रहण क्षमता होती है 1 से 1.5 लीटर होती है। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज़ द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। अगर प्रश्न ये आया कि पाचक नली का सबसे पतला भाग कौन सा है, पाचक अंगों में से सबसे पाचक नली सबसे पतली कौन सी है, हिंदी में ओइसोफेगस, डुओडेनम, जेजुनम या इलियम या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? पाचक नली सबसे पतली कौन सी है, हिंदी वाली छात्राएं। अंग्रेजी वालों के लिए विच इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। करेक्ट आंसर, कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको इसोफेगस भी बता दिया है और दूसरा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। पतली नली कौन सी होती है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यह सामान्यतः
इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 0.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, समझ में आ गया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम से ही संबंधित है। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा भाग कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत का सबसे लंबा अंग या कहोगे या भाग कौन सा है? क्या करेक्ट आंसर है? कोलन। करेक्ट आंसर क्या है? कोलन है। कोलन ही लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा भाग बनाता है। और इसी में भी आप पढ़े होंगे कोलन में तो एसेंडिंग कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन है, पेल्विक कोलन है, तो कोलन ही इसका करेक्ट आंसर है। समझ के बात को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? कोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार मैंने पढ़ाया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से, बच्चे हमसे कहती है मैडम आप हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ा दो। बेटा मैं खूब अच्छे से पढ़ा देती हूँ। तो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, मतलब कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो बाह्य स्रावित है और अंतःस्रावित है, उस ग्रंथि का नाम बताओ। बोलो, जो बाह्य स्रावित भी है अंतःस्रावित है, कौन सी? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या पैंक्रियाज? द करेक्ट आंसर इज पैंक्रियाज, मतलब अग्नाशय। अग्नाशय एक्सोक्राइन ग्रंथि भी है और एंडोक्राइन ग्रंथि भी है। एक्सोक्राइन मतलब इसमें से एंजाइम्स निकलते हैं और एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियों से, जो अंतःस्रावी इसका नेचर है उससे इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, हाउ मच सेलाइवा इज सेक्रेटेड पर डे, प्रतिदिन कितनी मात्रा में लार का श्रावण होता है? प्रतिदिन कितनी मात्रा में लार का श्रावण होता है? 500 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, 1500 मिलीलीटर या 2000 मिलीलीटर, विच वन इज द करेक्ट आंसर? कितनी मात्रा में लार का श्रावण होता है बताओ। करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे मुंह से प्रतिदिन 1500 मिलीलीटर तक, मतलब 1.5 लीटर तक लार का श्रावण होता है। और इस लार में जल, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम्स, एंजाइम्स में खास करके एमाइलेज, लाइसोजाइम्स होते हैं, म्यूसिन होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए होता है ना, और इसमें लैक्टोफेरिन होता है जो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक समझते हो कि जब रात में अक्सर सोते रहते हैं तो हमारे मुंह से लार निकलता है। क्यों निकलता है? परमपिता परमेश्वर ने लार को हमारे मुंह से इसलिए निकालता है कि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी दूसरे जो सूक्ष्म जीव हैं वो लार में ही चिपक जाए, मुंह के अंदर प्रवेश करके पाचन अंगों तक ना पहुंचे। और इसका जो सेलाइवा का पीएच होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, 7-8। खास करके लार क्लीनिंग एक्शन की तरह भी काम करता है, दांतों को सड़ने से रोकता है। और इसमें से जो म्यूसिन निकलता है वह भोजन को लुब्रिकेट करता है। जो हम खाना खाते हैं, जैसे आपने भुना हुआ चना खा लिया या बादाम खा लिया, किशमिश खा लिया, काजू खा ली है ना, तो म्यूसिन उसमें से मिलकर के उसको लुब्रिकेट करता है, उसको चिपचिपा बनाता है, लुगदी की तरह बन जाता है भोजन, फिर वो स्टोमैक से निकला जाता है। समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वो ये है कि लार में जो एमाइलेज एंजाइम है उसका दूसरा नाम क्या है। लार में जो एमाइलेज एंजाइम है उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बता देती हूँ, टाइलिन, माल्टेज, सुक्रेज या लैक्टेज। करेक्ट आंसर क्या है? टाइलिन। लार में टाइलिन होता है जो भुने हुए स्टार्च पर, पके हुए स्टार्च पर क्रिया करता है और भोजन को कुछ हद तक पचाता है। इसीलिए कभी आप देखना खा करके भुना हुआ चना या रोटी, रोटी का एक टुकड़ा लेना, एक टुकड़ा को खा करके देखना, चबा चबा करके, थोड़ी देर में वो रोटी मीठी लगने लगती है, बिना खीर के भी, बिना हलवा के भी, बिना गुड़ के भी। क्यों? कि पका हुआ स्टार्च है और उस स्टार्च में जब उसका डाइजेशन होता है तो क्या बनेगा आपको पता ही है ना। तो इसी कारण जब हम रोटी खाते हैं या चावल लेते हैं उसको अच्छे से चबा चबा के खाते हैं तो थोड़ी देर में वो मीठी लगने लगती है। तो आज मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछा है, उसका आंसर बताया है, उसको एक्सप्लेन भी किया है, ताकि आप ये मत समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप उसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका लाइकिंग, आपकी कमेंट हमें विपरीत परिस्थिति में या कम से कम समय में भी वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दो जाने की इजाज़त। बाय बाय।